सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक लोटस के बारे में। ये कहानी है एक सिपाही की, जंग से आने के बाद जिसका सामना होता है लोकल गुंडों से, जो इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि ये सिपाही क्या कर सकता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने जर्मनी का दृश्य आता है। यहाँ पर हम ओपरा की एक टीम को देखते हैं। ये सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच यहाँ पर बहुत सारे आतंकवादी चले आते हैं जिनके हाथों में बंदूकें हैं। वो सबको बंधक बना लेते हैं। थोड़े समय पहले यहाँ पर चारों तरफ खुशियाँ थी, लेकिन अब हर तरफ डर का माहौल फैला हुआ है। ये सारे के सारे कलाकार नीचे बैठे हुए हैं। उन्हें लगता है कि किसी भी वक्त उनकी मौत हो सकती है। तभी हम एक स्पेशल फोर्स को देखते हैं जो यहाँ पर आ चुके हैं इन लोगों को बचाने की। इनकी टीम को लीड कर रहा है जॉन नाम का आदमी और जॉन का असिस्टेंट है मटी। इस टीम को भली भांति पता है कि ऐसे आतंकवादियों से कैसे निपटना है। जॉन अब एक प्लान बनाता है। वो सबको बताने लगता है कि किसे क्या करना है। वो सारे सिपाहियों को कहता है कि वो बाहर जाकर के तैनात हो और हर जगह पे नजर रखे। जब तक जॉन उन्हें ना बोले तब तक कोई भी कहीं पर भी हमला नहीं करेगा। फिर जॉन मटियों को अपने साथ चलने के लिए कहता है। ये लोग स्टेज के करीब जाएंगे और शार्प शूटर की तरह उन पे नजर रखेंगे ताकि उनकी बातों को सुन सके। ये दोनों जाकर के अपने जगह पे लग जाते हैं और सुनने लगते हैं कि आखिर ये लोग चाहते क्या है। तब उनकी बातों को सुनने के बाद इन्हें पता लगता है कि इन्हें पैसा चाहिए। जो यहाँ का मालिक है वो शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक है, इसीलिए आतंकवादियों ने सबको किडनैप करके रखा है ताकि उससे वो पैसे निकलवा सके। ये सारे लोग बहुत ही बड़े सन की, इन्हें लगता है कि लोग इन्हें ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे, इसीलिए इनका जो मुखिया होता है वो अपनी बंदूक निकाल करके एक लड़की को गोली मार देता है ताकि वो सबको बता सके कि वो क्या कर सकता है और इन्हें हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मटियो जैसे ही इस चीज को देखता है वो अपना आपा खो देता है। एक एक करके वो सब पे गोली चलाता है। वो इंतजार भी नहीं करता कि जॉन उसे कमांड देगा। एक बार जब गोली चल जाती है तब हर जगह पे भगदड़ सी मचने लगती है। चारों तरफ लोग भाग रहे हैं और आतंकवादी भी। इसी बीच इनकी टीम एक एक करके आतंकवादियों को मार रही है। सारे आतंकवादी अंधाधुन गोलियां चला रहे हैं, पर ये लोग एक एक करके सारे के सारे आतंकवादियों को ढेर कर देते हैं। लेकिन अब जॉन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो मटियो के पास आता है और कहता है कि तुम भूल चुके हो कि हमारा मकसद क्या है। हमें सुनना होता है, हम अपने इंपल्स के पीछे नहीं भागते। तुम्हारी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जा सकते थे। और इतना कहते ही वो जॉन नीचे गिर जाता है। तब मटियो को एहसास होता है कि जॉन को गोली लगी है और ये मटियो के कारण हुआ है। अगर उसने जॉन की बात सुनी होती और थोड़ी देर और इंतजार किया होता तब शायद कहीं जॉन को गोली नहीं लगती। फिर वो जॉन को संभालने लगता है। तभी यहाँ पर एक और आतंकवादी आता है और जॉन को बताता है कि उसने पूरे के पूरे बिल्डिंग में बॉम्ब लगा करके रखा है। अगर इन लोगों ने इनकी शर्तें नहीं मानी तब वो पूरे के पूरे बिल्डिंग को उड़ा देगा। इस बात को सुनते ही अब मटियो आग बबूला हो जाता है। वो अपनी चाकू निकालता है और यहीं पर इस आदमी को भी ढेर कर देता है और वापस आता है जॉन के पास। तब मटियो को एहसास होता है कि जॉन मर चुका है और ये बात कहीं ना कहीं मटियो को अंदर से खाने लगती है। अब वक्त ऐसे ही बीतने लगता है। फिर हमारे सामने 5 साल बाद का दृश्य आता है। तब हम मटियो को देखते हैं रोमानिया में। अब उसने स्पेशल फोर्स को छोड़ दिया है। उसे लगता है कि उसके कारण जॉन की मौत हुई है, इसीलिए वह स्पेशल फोर्स को ज्वाइन नहीं करना चाहता। वो एक मजदूर के रूप में काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर उसे बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। वो मुश्किल से 2 वक्त का खाना खा पा रहा है, लेकिन बार बार उसे जॉन की मेमोरीज परेशान करती हैं। जॉन सिर्फ उसका सीनियर नहीं था बल्कि वो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। मटियो जॉन के साथ हमेशा उसके घर पे जाता था। जॉन की पत्नी का नाम हेलेन है और उनका एक बच्चा भी है। ये सारे लोग एक साथ बहुत समय बिताते थे। मटियो को लगता है कि उसने जॉन के परिवार के साथ बहुत ही बुरा किया है। वो दिन रात इसी गिल्ट में रहता है। इसी बीच जब मटियो अपनी तनख्वाह लेने जाता है तब उसे पता लगता है कि उसे बहुत ही कम पैसे दिए जा रहे हैं। जितना वो सोच रहा था ये पैसे उससे भी कम है, इसलिए वो निश्चय करता है कि अब वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। जितने पैसे उसे मिले हैं उससे वो एक टिकट भी नहीं खरीद पाएगा। फिर भी वो यहाँ से निकल जाता है किसी दूसरी जगह पे जाने जहाँ पर उसकी जिंदगी थोड़ी सी बेहतर हो सके। तभी दूसरी तरफ हम इंटरपोल की टीम को देखते हैं जिन लोगों ने यहाँ पर कुछ क्रिमिनल्स को पकड़ रखा है। वो सबसे पूछताछ कर रहे हैं। इंटरपोल की इस टीम के 2 लोग हेड हैं जिनका नाम है शीरा और फिशर। ये दोनों एक एक करके सबसे पूछताछ कर रहे होते हैं। तभी रोमन नाम का एक क्रिमिनल बड़बड़ाने लगता है। वो इन्हें किसी से भी सवाल नहीं पूछने देता, वो अपनी ही बातें कहते रहता है। तब इस चीज को देखने के बाद फिशर गुस्सा हो जाता है। वो रोमन को एक थप्पड़ मारता है और लेकर के यहाँ से चला जाता। तब शीरा बाकी लोगों को कहती है कि सबको वैन में बैठाओ, हम सबको यहाँ से लेकर के जाएंगे अपने हेडक्वार्टर। कहीं वहीं जाने के बाद ये लोग अपने मुंह को खोले। तब सारे लोगों को गाड़ी में बैठाया जाता। इसी बीच हम देखते हैं कि दूर से बेर नाम का आदमी इन सबकी तस्वीरें खींच रहा है ताकि वो अपने बॉस को बता सके कि इसके कितने आदमी पकड़े जा चुके और किन लोगों ने इनके आदमियों को पकड़ा है। बेर के बॉस का नाम है सबन। जल्दी ही बेर इस खबर को पहुंचा देता है सबन पास। तभी हम शीरा और फिशर को देखते हैं जो रोमन से पूछताछ कर रहे हैं।
थोड़ी देर पूछताछ करने के बाद इन्हें पता लगता है कि रोमन एक अंडरकवर एजेंट है, वो भी इंटरपोल का। वो इसीलिए उनके गिरोह में काम कर रहा था ताकि उनके बॉस तक वो पहुंच सके और आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं इन चीजों का खुलासा भी कर सके। तब इन बातों को सुनने के बाद शीरा कहती है कि तुम्हें अब तक क्या पता लगा है। तब रोमन कहता है कि जितने भी लोगों को तुम लोगों ने पकड़ा है ये किसी भी काम के नहीं है, ये छोटे मोटे गुंडे हैं, ये तुम्हें कहीं भी नहीं पहुंचा सकते। शीरा कहती है कि काम की बात बताओ, हम इनके बॉस तक कैसे पहुंच सकते हैं। तब रोमन नाम बताता है पॉल नाम के आदमी का। पॉल एक मास्टरमाइंड है और क्रिप्टो करेंसी का एक्सपर्ट। सबन ने उसे 15 मिलियन यूरोज दिए हैं और वो उन सारे पैसों को लगाने वाला है क्रिप्टो में। अगर तुम लोग पॉल तक पहुंच गए तब सबन तक भी पहुंच जाओ, क्योंकि पॉल के पास उसकी सारी की सारी जानकारियां हैं। तब इन बातों को सुनने के बाद शीरा पीछे लग जाती है पॉल के। तभी हम मिटियो को देखते हैं जो नीदरलैंड आ चुका है। नीदरलैंड वो इसीलिए आया है ताकि जॉन की पत्नी हेलिन से मिल सके। जॉन की पत्नी हेलिन अब अकेली रहती है अपनी बेटी के साथ, जिसका नाम है एंजी। मिटियो एंजी को अपनी बेटी मानता है, इसीलिए वो आता है हेलिन के घर पे। हेलिन जैसे ही मिटियो को देखती है वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि बहुत समय के बाद उसने किसी अपने आदमी को देखा है। वो उसे अंदर बुलाती है और कॉफी भी देती है, लेकिन मिटियो अंदर से गिल्ट में मरा जा रहा है। वो हेलिन को कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, ये चीज मुझे अंदर से खाते जा रही है। जॉन की मौत मेरी वजह से हुई है, अगर मैंने उस दिन सूझबूझ से काम लिया होता तो आज जॉन जिंदा होता। तब इन बातों को सुनने के बाद हेलिन भड़क जाती है और कहती है कि ये बातें तुम मुझे क्यों बता रहे हो, मैं बहुत पहले समझ गई थी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जब तुम जॉन के फ्यूनरल पर भी नहीं आए। जॉन के अगर कोई सबसे करीब था तो वो तुम थे। फ्यूनरल के दिन मैं तुम्हें हर एक जगह पे ढूंढ रही थी लेकिन तुम कहीं भी नजर नहीं आए। तब इन बातों को सुनकर के मिटियो कहता है क्योंकि अगर मैं वहां पर आता तब और भी ज्यादा टूट जाता, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर आज जॉन मरा है तो मेरी वजह से, इसीलिए मैं नहीं आया। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बातों को समझोगे। इतना कहने के बाद मिटियो यहाँ से जाने लगता है, पर वो जैसे ही बाहर आता है हेलिन उसे रोकती है और कहती है कि अपने आप को ब्लेम करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम अच्छे इंसान हो, तुमने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है, आखिर तुम नीदरलैंड में कहाँ जाओगे। तब मिटियो कहता है कि मैं देख लूँ। तब हेलिन कहती है कि तुम यहीं पर रह जाओ, तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकते हो, मैंने हमेशा तुम्हें अपने भाई की तरह देखा है और अभी भी मेरे घर में तुम्हारे लिए जगह है। तब इन बातों को सुनने के बाद मिटियो यहीं रुक जाता है। तभी दूसरी तरफ हम सबन को देखते हैं जो अपने होटल में बैठा हुआ है और खाना खा रहा है, लेकिन सबन देखता है कि उसका पूरा का पूरा रेस्टोरेंट खाली है। तब वो गुस्सा हो जाता है अपने शेफ माइकल और बताता है कि मैं यहाँ पर सबसे अच्छे खाने बनवाता हूँ, मैं बाहर के रेस्टोरेंट की तरह कचरा नहीं बनवाता, यहाँ पर एकदम ट्रेडिशनल खाना बनता है, फिर भी ये रेस्टोरेंट खाली क्यों है, अगर जल्दी से ये रेस्टोरेंट भरा हुआ मुझे नजर नहीं आया तब सबसे पहले मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। इतना कहने के बाद सबन बाहर चला जाता है। तब उसकी मुलाकात होती है बेर और लो नाम के आदमी से, जिन्हें वो कहता है कि किसी ने हमारे इन्वेस्टमेंट की जानकारी बाहर लीक कर दी है, जल्दी से उस गद्दार का पता लगाओ, मैं नहीं चाहता कि मेरे पैसे बर्बाद हो जाए। इसी बीच हम पॉल को देखते हैं जो आता है हेलिन के घर पे। तब हेलिन मिटियो से मिलवाती है पॉल को और बताती है कि पॉल उसका पति है, यानी कि हेलिन ने दूसरी शादी कर ली। पॉल वही आदमी है जो सबन के सारे पैसों को इन्वेस्ट करता है। अब ये सारे लोग बैठ करके एक साथ डिनर करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है मिटियो एक बार फिर से खो जाता है और बाहर आकर के बैठ जाता है और याद करने लगता है उन पलों को जब उसकी पोस्टिंग हुई थी अफगानिस्तान में। वो जॉन के साथ बिहार में भटकते रहता था, हर रोज उन्हें दुश्मनों पर नजर रखता था। जॉन और मिटियो दोनों स्नाइपर हुआ करते थे, वो दुश्मनों पर नजर रखते थे और जैसे ही कोई भी हलचल नजर आती थी वो लोगों को ढेर कर देते थे। लोगों को मारना इनका रोज का काम था और उस बिहार में एक दूसरे का सहारा यही थे। अब ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मिटियो को खा रही, जॉन की मौत और पुराने वक्त में उसने जितने भी लोगों को मारा है। तभी पॉल इस चीज को देख लेता है, वो आकर के बैठता है मिटियो पास। वो जानता है कि मिटियो सेना में हुआ करता था और वो अपने आप को जॉन के मौत का जिम्मेदार मानता है। तब वो समझाने लगता है मिटियो और कहता है कि मुझे पता है कि तुम कितने दुखी हो, लेकिन तुम्हें इन चीजों से निकलना पड़े तभी तुम अपनी आगे की जिंदगी जी पाओगे। फिर रात हो जाती है। सुबह सुबह जैसे ही मिटियो जगता है वो निकल पड़ता है अपने जॉगिंग पे। तब हमें पता लगता है कि मिटियो अपने सेहत का ख्याल रखता है, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने सेहत पे आंच नहीं आने देता, उसे हमेशा चुस्त और तंदुरुस्त रहना है और वो अभी भी इसी प्रक्रिया में है। लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी अब बेहतर हो रही है। वो जैसे ही जॉगिंग से वापस आता है तब एंजी उसे अपना डॉग दे देती और कहती है कि जब तक मैं स्कूल से वापस ना आऊं आपको इसका ख्याल रखना है। तब दिन भर मिटियो यही करता है और कहीं ना कहीं इससे उसकी स्थिति ठीक हो रही है। इसी बीच हम सबन को देखते हैं जो जाता है पॉल के ऑफिस में और उसे बताता है कि मेरे अकाउंट से बहुत सारे पैसे गायब हुए हैं,
क्या तुम्हें इस बारे में पता है? तो पॉल कहता है कि नहीं। हालांकि सारे पैसों को पॉल ने ही गायब किया है, लेकिन वो बहाने बनाने लगता है सबन के सामने और नाटक करता है उसके अकाउंट को चेक करने का। थोड़ी देर चेक करने के बाद कहता है कि जरूर यहाँ पर कोई ना कोई एरर है, मुझे थोड़ा समय दो, मैं सारी चीजों को पता करके बताता हूँ कि आखिर पैसों के साथ हुआ क्या है। लेकिन सबन समझ जाता है कि पॉल झूठ बोल रहा है। वो उससे बार बार पूछने की कोशिश करता है, लेकिन पॉल ऐसे ही एक के बाद एक झूठ बोलते रहता है। तब सबन समझ जाता है कि सीधी उंगली से घी नहीं। हालांकि पॉल यहाँ पर बार बार कहता है कि वो पैसों को वापस ले आएगा, बस कुछ एरर है। तभी सबन की नजर पड़ती है पॉल के फैमिली फोटो, जिसे वो हाथ में उठाता है और कहता है कि अब मेरी नजर तुम्हारे परिवार पे है। अगर तुमने जल्दी से मेरे सारे पैसे नहीं लौटाए तो इसका खामियाजा तुम्हारा परिवार भुगतेगा। इतना कहने के बाद सबन यहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि रोमन ने नजर रखा हुआ है सबन, वो उसके पीछे चला जाता है। इसी बीच हमें पता लगता है कि रोमन पर लू ने नजर रखा हुआ है, क्योंकि सबन को सब पे शक है कि उसके टीम का कोई ना कोई तो मिला हुआ है इंटरपोल के साथ। इसी बीच हम मटियो को देखते हैं जो लकड़ियों को काट रहा होता है। तभी उसके पास एनजी आती है और थोड़ी देर बात करके चली जाती है। तब हेलेन आती है मटियो के पास और कहती है कि अपने आप को माफ कर, अपने आप पे इतना जुल्म मत ढाओ, तुम अभी भी एक अच्छी जिंदगी बिता सकते हो, तुम अच्छी जिंदगी के हकदार हो। तब मटियो इस बारे में सोचने लगता है। तब हेलेन उसे कहती है कि मैं एनजी के साथ प्लेग्राउंड में जा रही, तुम चलोगे तो तुम्हें भी अच्छा लगे। तब मटियो मान जाता है। ये लोग जाते हैं प्लेग्राउंड। मटियो यहाँ पर एनजी के साथ बहुत देर तक खेलता है। धीरे धीरे वो हेलेन के पूरे परिवार को पसंद करने लगा है। इसी बीच हम पॉल को देखते हैं जिसकी दिन प्रतिदिन अब हालत खराब होती जा रही है, क्योंकि वो जानता है कि सबन चुप नहीं बैठेगा, उसे कैसे भी उसके पैसे चाहिए। लेकिन 15 मिलियन यूरो बहुत बड़ी रकम होती है, उतने पैसे अभी नहीं है पॉल के पास, क्योंकि वो उन सारे पैसों को गंवा चुका है। तभी हेलेन देख लेती है पॉल को। वो जानती है कि पॉल के साथ कोई ना कोई तो दिक्कत है, लेकिन पॉल हेलेन को कुछ भी नहीं बताता, वरना वो भी परेशान हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम सुबह सुबह बच्चों को देखते हैं जो बाहर टूर पे आए हैं। तभी ये सारे लोग देखते हैं कि पुल के ऊपर एक लाश लटक रही है। तब सारे लोग चिल्लाने लगते हैं। उसी वक्त हमें पता लगता है कि ये लाश है रोमन की, जिसे लो और बेर ने मारा है। तब सबन उन दोनों से पूछताछ करता है और उन्हें बताने के लिए कहता है कि रोमन ने क्या बताया, वो किसको सारी जानकारियां दे रहा था और मेरे पैसे किनके पास है। तब इन बातों का इनके पास कोई भी जवाब नहीं होता। इस बात को सुनते ही सबन भड़क जाता है, कहता है कि तुम लोगों को सिर्फ मारने की जल्दी होती है, मारने से पहले उसे जानकारियां निकलवानी चाहिए थी। फिर इसी गुस्से में सबन अब कॉल करता है पॉल को और कहता है कि मुझे सारे के सारे पैसे अभी के अभी चाहिए, तुम ऑलरेडी बहुत सारा समय ले चुके हो। तो पॉल दोबारा बहाने बनाने लगता है, लेकिन अब सबन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो दोबारा उसे वार्निंग देता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तब मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। इतना कहने के बाद वो फोन काट देता है। तभी हम शीरा और फिशर को देखते हैं। वो लोग रोमन की डेड बॉडी के पास है। इन्हें पता है कि रोमन को मरवाने वाला कोई और नहीं बल्कि सबन ही है, लेकिन इस बात का इनके पास कोई भी सबूत नहीं है। तभी इन्हें रोमन का फोन मिल जाता है, लेकिन वो फोन लॉक है, ये लोग फोन को नहीं खोल पाते। तब फिशर कहता है कि अगर एक बार ये फोन खुल जाए तब हमें बहुत सारी जानकारियां मिल सकती हैं और कहीं हम सबन तक भी पहुंच सकते हैं। इसी बीच हम देखते हैं मटियो को जो हमेशा की तरह लकड़ियां काट रहा है। तभी उसके पास एनजी आती है। एनजी मटियो के बहुत करीब आ चुकी है। कहीं भी जाने से पहले वो आकर के उससे गले लगती है। ये दोनों जब गले मिल रहे होते हैं तब हेलेन दूर से इन चीजों को देखती है, उसे ये बात बहुत ही अच्छी लगती है। तभी पॉल हेलेन को कॉल करता है और बताता है कि आज मुझे आने में देरी हो जाएगी। इतना कहने के बाद वो सीधा कॉल करने की कोशिश करता है रोमन को, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। तब तक हेलेन सबको लेकर के बाजार चली जाती है। जब ये लोग बाजार से आ रहे होते हैं तभी कुछ गुंडे आकर के हमला कर देते हैं मटियो पे। मटियो कुछ सोचता उससे पहले वो उसे नीचे गिरा देते हैं और एनजी को लेकर के यहाँ से भाग जाते हैं। जैसे ही मटियो होश में आता है वो एक साइकिल लेकर के गाड़ी का पीछा करने लगता है और दूसरी तरफ हेलेन सीधा कॉल करती है पॉल को। जैसे ही ये बात पॉल को पता लगती है पॉल कॉल करता है सबन को, लेकिन सबन कहता है कि तुम्हें मैंने पहले ही आगाह किया था, अब तुम्हारी बेटी तुम्हें नहीं मिलेगी। इसी बीच हम मटियो को देखते हैं जो अभी भी गाड़ी का पीछा कर रहा है। एक वक्त के बाद वो गाड़ी के ऊपर कूद जाता है, लेकिन वो कुछ करता उससे पहले वो ले जाकर के अपनी गाड़ी को दूसरे गाड़ी में ठोक देते हैं। तब मटियो गिर जाता है दूसरी गाड़ी पे और गिरते ही बेहोश हो जाता है। तब थोड़ी देर के बाद उसकी आंखें खुलती है हॉस्पिटल में। वो देखता है कि उसके हाथों में हथकड़ी लगी है। तभी यहाँ पर शीरा और फिशर आ जाते हैं। यहाँ आते ही शीरा सबसे पहले हथकड़ी खोलती है मटियो की और उससे पूछताछ करने लगती है। शीरा को लगता है कि मटियो भी शामिल है इस किडनैपिंग, वो शायद सबन के लिए काम करता है। फिर थोड़ी देर के बाद शीरा को लगता है कि यह ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है, लेकिन मटियो कहता है कि अगर एनजी कहीं भी होगी तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। इस बात को सुनते ही शीरा अपना कार्ड दे देती है और कहती है कि अगर तुम्हें कहीं भी कुछ भी पता लगे या कोई भी मदद चाहिए तो सीधा मुझे कॉल करना। इतने कहने के बाद शीरा और फिशर दोनों निकल जाते हैं।
तभी हम लो को देखते हैं। लो इनकी सारी बातें सुन रहा था और अब वो ये सारी बातें बता देता है बेर को। तब हम देखते हैं कि बेर बात कर रहा है सबन से। सबन को लगता है कि यहाँ के हालात खराब होने वाले हैं, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके एनजी को इन्हें थाईलैंड भेज देना चाहिए। इसी बीच हम मटियो को देखते हैं जिसे जॉन की बात याद आती है। जॉन ने एक बार मटियो से कहा था कि वो चाहता है कि मटियो एनजी का गॉडफादर बने और हमेशा उसका ख्याल रखे। इन बातों को याद करने के बाद मटियो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सारे हथियारों को निकालने लगता है उसके पास जाने के लिए। तभी पॉल उसे रोकता है और बातों ही बातों में वो नाम लेता है सबन का। तब मटियो समझ जाता है कि पॉल जानता है कि उसकी बेटी किसके पास है। तब ये लोग पूछने लगते हैं कि हमें पूरी सच्चाई बताओ। तब पॉल बताता है कि उसके पास सबन के 15 मिलियन यूरोस थे जिसे उसने गंवा दिया, इसीलिए सबन ने उसकी बेटी को किडनैप किया है। तब इन बातों को सुनकर के हेलिन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसके सारे पैसे लौटा दो। तब पॉल कहता है कि उनमें से कोई भी पैसा मेरे पास नहीं है, मैंने सारे पैसों को क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में लगा दिया था और सारे के सारे पैसे डूब गए। तब मटियो समझ जाता है कि अब उसे ही कुछ करना पड़ेगा। वो पॉल को कहता है कि तुम कॉल करो सबन को और बोलो कि पैसों का जुगाड़ हो गया है, उसके साथ एक मीटिंग अरेंज करो। तब पॉल ऐसा ही करता है, लेकिन सबन बहुत ही ज्यादा भड़का हुआ है। वो कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, लेकिन अगर इस बार तुमने कुछ भी गड़बड़ की तब मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार को मार दूंगा। इन बातों को सुनने के बाद अब पॉल आता है मटियो के पास और मीटिंग की लोकेशन बता देता है। तभी हम फिशर को देखते हैं जो इनके घर के बाहर है। इन लोगों ने बहुत समय पहले से पॉल पर नजर रखा हुआ है। तभी मटियो आकर के बंदूक तान देता है फिशर पे, लेकिन वो उसे कुछ नहीं करता। उसकी गाड़ी लेकर के यहाँ से निकल जाता है। तभी हेलिन बाहर आती है और फिशर को कहती है कि पॉल ऊपर है, तुम चाहो तो उससे बात कर सकते हो। तभी हम पॉल को देखते हैं जो पैकिंग कर रहा है ताकि वो यहाँ से दूर भाग जाए। इसी बीच मटियो पहुंच जाता है लोकेशन पे, लेकिन वहां जाने के बाद वो देखता है कि यहाँ पर एनजी नहीं है। शायद सबन को यह बात पता लग गई थी, इसीलिए उसने यहाँ पर अपने आदमियों को छोड़ा है। उसके आदमी आकर के मटियो से बैग छीनने लगते हैं। उन्हें लगता है कि इस बैग के अंदर पैसे हैं। तब एक एक करके मटियो सबको मारना शुरू करता है। देखते ही देखते वो चारों तरफ लाशें बिछा देता है, लेकिन अंत में वो सिर्फ एक आदमी को जिंदा छोड़ता है ताकि उससे पूछ सके कि एनजी कहाँ पर है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लो आ चुका है हेलिन के घर पे। उसने हेलिन पर बंदूक ताना है। तब फिशर भी उस पर बंदूक तान देता है। तब लो हेलिन को फेंकता है फिशर के ऊपर और फिशर को घायल करके नीचे गिरा देता है। तभी हेलिन देखती है कि बंदूक नीचे ही पड़ी है। वो बंदूक उठाती है और अंधाधुंध लो पे गोलियां चलाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम मटियो को देखते हैं जो अब उस आदमी को टॉर्चर करने वाला है। तब एक वक्त के बाद वो आदमी सारी बातें बता देता है। उसे लगता है कि मटियो उसे छोड़ देगा, लेकिन मटियो उसका भी काम तमाम कर देता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं हेलिन को जो फिशर की जान बचाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच पॉल यहाँ से निकल जाता है। वो अपनी पत्नी को छोड़ देता है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में आता है हम देखते हैं कि लो गाड़ी के अंदर ही है। वो पॉल को मारता है और उसका बैग लेकर के निकल जाता है जिसमें बस थोड़े मोड़े पैसे हैं। तभी यहाँ पर शीरा आ जाती है और एम्बुलेंस बुला करके वो फिशर को भेज देती है। इसी बीच मटियो कॉल करता है शीरा को और बताता है कि मैं सबन के नाइट क्लब के पास जा रहा हूँ, एनजी वहीं पर है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। तब शीरा भी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और मटियो पहुंच जाता है नाइट क्लब में। लेकिन वो जैसे ही अंदर दाखिल होता है वो देखता है कि उसके सामने बहुत सारे बॉडीगार्ड्स हैं जो उस पर हमला करने को तैयार हैं। तब मटियो भी एक एक करके सबको मारने लगता है, लेकिन इनकी तादाद बहुत ही ज्यादा है। लेकिन अब ये लोग मटियो को कुछ करते उससे पहले यहाँ पर शीरा आ जाती है। शीरा का निशाना कमाल का है, वो एक एक करके सबको मारने लगती है। तभी ये बात पता लग जाती है सबन को, वो तुरंत एनजी को लेकर के भागने लगता है। तब शीरा और मटियो आते हैं छत पे। ऊपर आते ही वो देखते हैं कि उनके सामने दो लोग खड़े हैं, ये बर और लो हैं, दोनों इनसे लड़ने के लिए तैयार हैं। तब ये दोनों भी इन पे टूट पड़ते हैं। मटियो बहुत ही बुरी तरीके से घायल है, फिर भी वो बेर से लड़ता है और दूसरी तरफ शीरा लड़ रही है लो से। ये दोनों बहुत देर तक लड़ते हैं, यहाँ पर घमासान लड़ाई होती है। एक वक्त के बाद ये दोनों घायल हो जाते हैं, लेकिन शीरा पहले मारती है लो को। तब तक मटियो नीचे गिर जाता है। तब बेर मारने आता है शीरा को, लेकिन वो शीरा को मारता उससे पहले मटियो उसे मार देता है और भागते हुए आता है नीचे। तब वो देखता है कि सबन एनजी को लेकर के भाग रहा है। सबन के हाथ में एक बंदूक है और दूसरी तरफ मटियो के हाथ में सिर्फ एक चाकू है। जब एनजी इस चीज को देखती है तब वो सबन के हाथ पे काट करके भागने की कोशिश करती है। तब सबन गोली चलाता है मटियो पे। इसी बीच मटियो भी अपने चाकू फेंकता है, जो चाकू जाकर के सीधा लगता है सबन की छाती में और ये दोनों के दोनों नीचे गिर जाते हैं। फिर वक्त ऐसे ही बीतने लगता है और हमारे सामने 6 महीने बाद का दृश्य आता है। तब हम एनजी और हेलिन को देखते हैं जो अपनी जिंदगी को बड़े ही आराम से बिता रहे हैं। अब उनके पीछे आने वाला कोई भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम मटियो को देखते हैं जो सारे लोगों से बहुत दूर निकल गया है ताकि वो शांति की जिंदगी व्यतीत कर सके। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।